हाई एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया व्लॉग्स। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं आपके लिए एक अलग वीडियो शूट कर रही हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी बेसिकली माई मटर्निटी शॉपिंग हॉल, मटर्निटी लुक बुक बोल लो, या बेसिकली आउटफिट्स जो मैंने मटर्निटी में परचेज किया और मुझे लगा बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी थे क्योंकि मैं 8th मंथ तक उन्हें आराम से पहन पा रही हूँ। तो वह मैं आपसे शेयर करूंगी और या आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बट उससे पहले मैं एक काम करने आई हूँ, मैं अपना हेयर कट कराने वाली हूँ। मेरा प्लान है कि मैं बालों को थोड़ा सा इस बार छोटा करा लेती हूँ ताकि पोस्ट डिलीवरी भी वो चल जाए। तो अभी मैं आई हूँ सेक्टर 104 नोएडा में, टोनी एंड गाय है यहाँ पे। मेरे हेयर स्टाइलिस्ट हैं इमरान, उनसे मैं हमेशा हेयर कट कराती हूँ, कभी कभी उनसे ही कराते हैं। तो उनका मैंने अपॉइंटमेंट लिया है, जाते हैं हेयर कट कराते हैं और फिर आके लुक बुक स्टार्ट करते हैं। गाइज, मैंने सोचा था कि बेबी की मूवमेंट्स मैं कैप्चर कर पाऊंगी कैमरा पे, बट वो नहीं हो पाया। अभी बेबी इतना ज़्यादा मूव कर रही थी, मैं तो रही बोलती हूँ क्योंकि मुझे पक्का पता है मुझे गर्ली होगी, तो इतना ज़्यादा मूव कर रही थी तो मैंने सौरभ को बोला जल्दी से कैमरा ऑन करो। बट जैसे ही कैमरा ऑन करो बच्चे कैमरा शायद हो ही जाते हैं। सो आई थिंक इस बेबी के साथ भी ऐसा हुआ। तो लेट्स गेट बैक टू वर्क। सो गाइज, हेयर कट इज डन, बट अभी मैंने ये बैंड लगा लिया बिकॉज मैं रेडी होने लगी हूँ मटर्निटी लुक बुक के लिए। मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया, ब्लश ऑन लगाया और अब बस सिर्फ काजल पेंडिंग है और कुछ भी नहीं लगाया। एंड आज हमें नया काजल ट्राई करने वाले हैं। सो ममा अर्थ ने ये दो नए काजल लॉन्च किए हैं। वन इज चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल एंड वन इज चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे कोल। तो मैं अभी दोनों में से एक ट्राई करूंगी और हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा है। इसमें बहुत सारे क्लेम्स हैं। नंबर वन, ये 11 आवर्स स्टे है। नंबर टू, ये स्मच फ्री है। नंबर थ्री, ये वाटर प्रूफ है। एंड नंबर फोर, ये टॉक्सिन फ्री है, विच ऑब्वियसली ममाअर्थ के सारे ही प्रोडक्ट्स नेचुरल होते हैं, टॉक्सिन फ्री होते हैं। द गुड थिंग इज इसके इंग्रेडिएंट्स जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, तो काजल में है विटामिन सी एंड कैमोमाइल एंड कोल में है कैस्टर ऑयल एंड कैमोमाइल। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे ट्राई करने के लिए, मुझे काजल लगाना बहुत अच्छा लगता है। क्विकली काजल ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। Did you ever stop and think why I spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. So guys, ये है काजल जो रोल ऑन है और ये है कोल जो कि एक पेंसिल फॉर्म में है। मैंने कोल ट्राई किया, मैं इसको ट्राई करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड थी, बट काजल और कोल यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। मुझे इसका एप्लीकेशन बहुत इजी लगा, बहुत इजीली स्लाइड हो गया मेरी आईज में एंड कलर भी बहुत अच्छा आया चारकोल ब्लैक। मुझे अपना काजल थोड़ा सा थिक पसंद है इसलिए मैं 2-3 बार उसे लेयर कर रही थी, बट आप चाहो तो एक सिंगल लाइन भी लगा सकते हो। सो वेरी वेरी स्मूथ एप्लीकेशन। ये दोनों ही काजल आपको ममाअर्थ के किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, उनकी वेबसाइट, उनका ऐप या फिर अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, हर जगह आपको ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बट आपको फायदा तब होगा जब आप उनकी वेबसाइट या ऐप से खरीदो बिकॉज वहां आपको मिलेगा एडिशनल 20% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड MOMCOM2021। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। हम टाइम चेक करते रहेंगे 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद 5 घंटे बाद ये कैसा था, स्मज हुआ नहीं हुआ। सो लेट्स सी एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द मटर्निटी लुक बुक। सो गाइज, ये ड्रेस मैंने H&M स्टोर से पिक की थी। ये लार्ज साइज है, ये फुल वाइट ड्रेस है बट इस पर थोड़ा सा पैटर्न है स्क्वेयर्स का। इसके जो स्लीव्स हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं, थोड़ा बेल स्लीव्स फॉर्म में है। चेस्ट पे इसकी फिटेड आती है और उसके नीचे ये बिल्कुल फ्लोई हो जाती है और मिड लेंथ है, विच इज़ अ वेरी कंफर्टेबल लेंथ। इसमें पॉकेट्स भी दिए गए हैं टू मेक इट मोर कंफर्टेबल। मुझे ये अपने मटर्निटी शूट के लिए पिक करना था बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक टू वेयर इट ऑन रेगुलर डेज ऑल्सो, सो वाइट ड्रेस इज डेफिनेटली अ मस्ट हैव। ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन पिक की थी, स्टोर का नाम है शे SHAYE। इसकी जो स्लीव्स हैं वो फुल स्लीव्स हैं, आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो। मटेरियल इसका बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर लाइनिंग भी है और ये एक ए लाइन ड्रेस है। इस ड्रेस को मैंने एक्चुअली काफ़ी महीने पहले खरीद लिया था, आई थिंक व्हेन आई वाज इन माय 3rd or 4th month, और मैंने एक्सेल साइज पिक किया था ये सोच के कि ये मुझे बिल्कुल एंड तक आएगी एंड विच इज़ वाई इट इज़ इवन फिटिंग मी सो नाइसली नाउ। इसकी जो लेंथ है वो नी से हल्की सी ऊपर है, विच आई एम वेरी कंफर्टेबल विद।
ये ड्रेस मैंने पिक करी थी लैटिन क्वार्टर्स से, DLF मॉल ऑफ नोएडा में इनका स्टोर है, तो मैंने वहाँ से पिक करा था। ये साइज़ मैंने XL पहना है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है, इसका पैटर्न बहुत अच्छा है, वेरी समरिश, वेरी लाइट एंड फ्लोई है ये, तो बहुत ही कंफर्टेबल है। स्लीव्स भी इसकी बहुत कंफर्टेबल है, नीचे हल्की सी लाइनिंग दी हुई है ड्रेस में टू मेक इट नॉन सी थ्रू। सो ओवरऑल आई रियली लव्ड इट। मैंने अपनी एनिवर्सरी पे पहनी थी और मुझे इस पर बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे आप लोगों से। ये ड्रेस मैंने पर्टिकुलरली कलर की वजह से पिक करी थी, ये है स्टोर ANDE से। हाउएवर मैंने ये मिंत्रा पे देख के खरीदी थी। अगेन मैंने यहाँ पे XL साइज पहना है। इसकी भी स्लीव्स मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका ए लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको अपने बर्थडे पे पहना था तो काफ़ी लोगों ने मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आपने ये कहाँ से लिया है। द कलर इज़ वेरी नाइस, आप इसको साथ में एक्सेसराइज कर सकते हो एंड इट रियली लुक्स ब्यूटिफुल। गाइज ये ड्रेस मैंने मिंत्रा से ली थी, ये मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही थी और लंबी ड्रेस थी तो मैंने इसको पिक कर लिया। ऑनेस्टली मुझे इसका मटेरियल बहुत अच्छा नहीं लगा, बट कैजुअल पहनने के लिए ये बिल्कुल ठीक है। मटर्निटी टाइम में बहुत अच्छा बम्प को शेप देता है। इसकी जो लेंथ है वो भी मिड लेंथ है तो बहुत ही अच्छी है। और जो इसका कॉलर है वो स्लाइटली चाइनीज़ कॉलर की तरह है, तो अगर आपको वो कम्फर्टेबल लगता है पहनने में तो आप पहन सकते हो। बट मुझे पैटर्न काफ़ी अच्छा लगा, ब्लैक के ऊपर ये जो फ्लावर प्रिंट है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने ये रख लिया। गाइज ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन ली थी, स्टोर का नाम है द मॉम स्टोर, उनकी वेबसाइट से मैंने इसे ऑर्डर किया था। ये ड्रेस बेसिकली नेट मटेरियल में है और बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छी ड्रेस है, प्योर वाइट, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। आप इसको साथ में एक टियारा के साथ एक्सेसराइज करके अपनी मटर्निटी पिक्चर्स भी खिंचवा सकते हो, तो दैट वेज ऑल्सो इट विल लुक लवली। जब हमारे 2 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हुए थे तब मैंने ये ड्रेस पहना था एंड अगेन आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर इट। सो गाइज ये टॉप मैंने वेस्ट साइड से पिक किया था, मुझे एग्जैक्टली ब्रांड का नेम नहीं याद बट वेस्ट साइड में ही था ये, एंड ये मैंने लार्ज साइज पहना है। सो बेसिकली ये जो स्टाइल है ना टॉप का, ये मटर्निटी के लिए बहुत कंफर्टेबल है, बिकॉज आप देख सकते हो कि चेस्ट पे ये टाइट है और उसके नीचे ये बिल्कुल फ्लोई हो जाता है और आपके पूरे बम्प को कवर भी कर देता है, तो दैट वेज इट लुक्स प्रिटी नाइस एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। और इसको मैंने जॉगर पैंट्स के साथ कंबाइन किया। मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आप डेनिम कैसे पहन रहे हो, तो ये डेनिम नहीं है, ये जॉगर पैंट्स है जिसके ऊपर एक बेल्ट है और जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है क्योंकि मैंने साइज ऊपर लिया हुआ है, तो जिसकी वजह से बम्प काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। सो गाइज मेरी डिलीवरी नवंबर में है, बहुत ज़्यादा विंटर शॉपिंग मैंने अभी नहीं करी, मैं करूँगी, बट ये एक श्रग मुझे मिल गया था लकीली H&M पे, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है तो मुझे लगा कि इट विल बी परफेक्ट आगे जाके यूज़ करने के लिए। सो गाइज ये है मेरा मोस्ट कम्फर्टेबल आउटफिट जो मैंने ऑलमोस्ट पूरी प्रेगनेंसी पहना है, ये मटर्निटी डांगरी है, ये मैंने ऑनलाइन लिया द मॉम स्टोर से और इसका भी मैंने XL साइज लिया। ये जो डांगरी है ये स्पेसिफिकली मॉम्स के लिए ही बनाया गया है बिकॉज इसका जो बेल्ट है वहाँ पे स्ट्रेचेबल फैब्रिक दिया गया है, जैसे जैसे आपके बम्प का साइज इंक्रीज होगा डांगरी भी अकॉर्डिंगली स्ट्रेच होती जाएगी। तो ये मैं आई थिंक अराउंड 4th मंथ से पहन रही हूँ एंड ऑलरेडी मेरा 8th मंथ अब खत्म ही होने वाला है एंड इट इज़ स्टिल वेरी कंफर्टेबल ऑन मी। इसमें 2 कलर्स थे, ब्लैक एंड ब्लू, मैंने ब्लैक पिक किया, तो आप ये किसी भी टी शर्ट के साथ पहन सकते हो। सो गाइज 1.5 घंटा हो गया है मुझे, इतनी सारी मैंने ड्रेसेस चेंज करी, बहुत मेहनत करी है आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो या ना आया हो लाइक बटन तो हिट कर ही देना एक मॉम को एनकरेज करने के लिए। ये मेरा 8th मंथ है और ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, ये सारी ड्रेसेस मेरे पास काफी टाइम से हैं, बट देन फिर भी मुझे लगा कि इससे पहले कि मैं डिलीवरी करूं ये सब कर लेते हैं बिकॉज आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। सो गाइज मेरी जो प्रेगनेंसी पीरियड था ना वो मैक्सिमम समर प्रेगनेंसी थी, बहुत गर्मी लगती थी मुझे इस प्रेगनेंसी में वैसे भी, तो इसलिए मैंने ना ज्यादा ड्रेसेस वगैरह ली, यही मैं बाहर पहनती थी, घर पे कोई पार्टी होती थी तब मैं यही सब कुछ पहन रही थी, आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा। बट लिटरली अगर आप मेरे से पूछो कि मैं घर में क्या पहन के रहती हूँ, तो घर में तो खुली खुली टी शर्ट्स और खुले पजामे या फिर जो नी लेंथ नाइटीज आती हैं वो मैं घर में पहनती हूँ, उसमें मुझे सबसे ज्यादा कंफर्ट मिलता है। शॉर्ट्स पहन लेती हूँ खुले खुले तो उससे मुझे सबसे ज्यादा कंफर्ट मिलता है, बट वो हर किसी का अलग होता है इसलिए आई डिडंट वांट टू शो ऑल ऑफ दैट। बट बेसिकली आउटर वेयर के लिए ये सारा जो था ये बहुत ही कंफर्टेबल रहा है और अभी 8th मंथ में भी आपने देखा ये सब मुझे कैसे फिट आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे आपको ये दिखाना है कि जो मैं लेगिंग्स पहनती हूँ तो ना मटर्निटी की भी लेगिंग्स आती हैं, बट मुझे कहीं से बहुत अच्छी मिली नहीं, तो मैंने क्या किया जो मैं लेगिंग्स पहनती हूँ H&M की, मार्क्स एंड स्पेंसर की, उसी में मैं 1 साइज और 2 साइज ऊपर ले लिया, जिससे क्या होता है कि लेगिंग जो है वो नेवल पे आने की जगह आप नेवल से और ऊपर पहन लो उसका बेल्ट, तो फिर आपका टमी कंफर्टेबल रहता है। सो बेसिकली आपको या तो बिल्कुल नीचे पहननी है जो आपकी बेल्ट होनी चाहिए या फिर ऊपर पहननी है, टमी के बीच में नहीं पहनना, अदरवाइज आपको डिस्कम्फर्ट होता है। तो ऐसे मैंने लेगिंग्स ले लिया और मैंने H&M से करीबन 4 से 5 खुली खुली टी शर्ट्स ले ली थी, वो आपको वहां पर इजिली मिल जाएंगी,
एंड बाकी ये मैक्सिमम शॉपिंग मैंने ऑनलाइन ही करी है. मुझे अगर कोई लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. लाइक आई सेड, मैंने काफी चीजें काफी पहले ली थी, सो इट मे बी डिफरेंट फॉर एवरीबडी, बट दिस वॉज माई सिंपल सा मटर्निटी लुक बुक. आई रियली रियली होप यू एंजॉयड इट. आपको इसमें से कौन सी ड्रेस या कौन सा आउटफिट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे बताना. ऑनेस्टली मेरा फेवरेट जो है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के पोस्ट होने के नेक्स्ट डे कॉमेंट सेक्शन में. पहले मैं देखती हूँ आप लोगों का फेवरेट क्या है. एंड गाइज, अभी टोटल 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने अपना काजल चेक किया. आप देख सकते हो ना इसका कलर कम हुआ है, ना ये बिल्कुल भी स्मज हुआ है. और बारी बारी जब मैं ड्रेसेस चेंज कर रही थी, मुझे इतनी गर्मी भी लग रही थी, तो कोई स्वेटिंग वगैरह किसी की भी वजह से बिल्कुल स्मजिंग जो है वो नहीं हुई है. सो आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड विद व्हाट आई पुट ऑन माय आईज. बट इसका भी और टेस्ट लेंगे. अभी 2 घंटे हुए हैं, अभी 9 घंटे और बचे हैं. सो लेट्स गो थ्रू द डे. सो गाइज, अभी बज चुके हैं रात के 10. मैं जा रही हूँ अपना फेस क्लीन करने. उससे पहले मुझे आपको अपडेट देना था अबाउट द कोल पेंसिल दैट आई यूज. तो ममाअर्थ की कोल पेंसिल मेरे अकॉर्डिंगली तो बिल्कुल सक्सेसफुल है. 10 घंटे हो चुके हैं, कलर बिल्कुल इंटैक्ट है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है. तो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट. तो मैं इसको यूज करने वाली हूँ और काजल को भी यूज करने वाली हूँ. दोनों ही चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी. ये इंडिया का फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड काजल एंड कोल पेंसिल है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करके खुद देखिए आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं. मैं रोज काजल लगाती हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि इसने बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे पे दिया है. ऑल्सो ममाअर्थ के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप ममाअर्थ की वेबसाइट से कुछ ऑर्डर करते हो तो वो आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं टू अ ट्री दैट दे प्लांट ऑन योर बिहाफ. और उनका टारगेट है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करना, विच इज सच अ गुड इनिशिएटिव. अनदर गुड थिंग इज दैट ये हर महीने प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं. एवरी मंथ ये 120 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं. सो बोथ ऑफ दीज आर वेरी गुड इनिशिएटिव टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, टुवर्ड्स द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी. वी शुड डेफिनेटली applaud them for this, and I'm very happy with this new launch. Do check it out in the description box and use my coupon code for discount. और अब इस वीडियो को एंड करते हैं. मैं अपना फेस क्लीन करूंगी, स्किन केयर करूंगी और सो जाऊंगी. गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय.